Hello guys, welcome to another video of Stock Market Friends. Jiwanram Sheoduttrai Industries Limited guys, इस IPO का day 2 का subscription open होने जा रहा है, जिसमें हम लोग जानेंगे इसका live subscription status मतलब day 1 में किस तरह subscription हुआ था, GMP कितना चल रहा है, listing कितना मिलेगा, apply करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीजों को discuss करेंगे. चलिए friends, video start करते हैं. तो गाइस देखिए, ये 8 सितंबर को ओपन हुआ था और कल इसका क्लोजिंग का रेट है 12 सितंबर को. आज सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का. 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 23 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 6000 शेयर्स के लॉट साइज, 17.07 करोड़ का इशू साइज, फ्रेश इशू किया जा रहा है. एनएससी के इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होगा. अलॉटमेंट का डेट रखा गया 15 सितंबर का और लिस्टिंग का डेट रखा गया 21 सितंबर का. वहीं अगर हम बात करें अमाउंट की, तो 1,38,000 रुपीज़ का मिनिमम पे करना है. लीड मैनेजर है गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग. ऑफर दिया गया है मार्केट मेकर को 5.01% का, अदर्स को 47.45% का, रिटेल को 47.53% का. प्रोमोटर मिस्टर आलोक प्रकाश, मिसेस अनुपमा प्रकाश, मिस्टर ज्ञान प्रकाश, आलोक प्रकाश एचईएफ इसके प्रोमोटर है. प्री इशू होल्डिंग 100% का और पोस्ट इशू 70.01% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी. ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहती है और इस पर कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स है जिसका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाह रही है. जनरल कॉर्पोरेट पर्पस ऑफर एक्सपेंसेस को मीट करना चाहती है, इसके लिए आईपीओ लाया गया है. अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन का, तो अदर्स में 1.29 टाइम्स का जो कि फुल्ली देखने को मिला है, लेकिन रिटेलर्स 10.76 टाइम्स का जो कि ओवर देखने को मिल रहा है. टोटल है 6.03 टाइम्स का जो कि ओवर देखने को मिल रहा है. 6 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है. जीएमपी की बात करें, 14 रुपीज़ का चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग 60% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल सकता है इस आईपीओ में. तो अब क्या करना चाहिए, देखिए 97 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी ग्लोव्स और गारमेंट्स का मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है. यहाँ पे कंपनी इंडस्ट्रियल गारमेंट और ग्लोव्स का जो है मैन्युफैक्चर करती है और हेड टू टू सेफ्टी वेयर, वर्क वेयर मोर, इन सभी के लिए एक्सपोर्ट करती है. इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बराईपुर वेस्ट बंगाल में और नंदन कानन और वेस्ट बंगाल का जो है सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. और ये जो है सो लगभग 4-3 वर्टिकल्स में क्लासिफाई किया गया इसके बिजनेस को, जिसमें गाइस इंडस्ट्रियल लेदर ग्लोव्स जो कि क्लासिफाई किया गया एज कैनेडियन वेल्डर ड्राइवर मैकेनिकल कॉम्बी हाई विस एट्सेट्रा, और थिन सुलेट लाइंड एंड केवलर स्टिच्ड जो कि कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट होता है कस्टमर्स का, उसके थ्रू मतलब कि मैन्युफैक्चर करती है. दूसरा है इंडस्ट्रियल गारमेंट्स जो कि क्लासिफाई किया गया फायर रिटार्डेंट्स, हाई विजिबिलिटी वाटर रिपेलेंट, यूवी प्रोटेक्शन ऑयल एंड सॉइल रिपेलेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी रिपीलिंग एट्सेट्रा, जो कि मैन्युफैक्चर किया जाता है कस्टमर्स के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग. और तीसरा है वर्क एंड कैजुअल वेयर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हॉस्पिटल गारमेंट्स के लिए किया जाता है, होटल इंडस्ट्री गारमेंट्स के लिए शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, जैकेट्स, टी शर्ट्स, और ये ऑर्डर बेसिस पर किया जाता है. इसके क्लाइंट्स आते हैं गाइस यूएसए, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम जैसे कंट्रीज से. वहीं अगर हम इसके फिनांशियल्स को देखें, 21 में 32.8 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 3 लाख का, 22 में 34 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट 1.4 करोड़ का, 23 में 45.9 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 4 करोड़ का. तो कंपनी का फिनांशियल देखिएगा तो टॉप हो या बॉटम लाइन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला और लगभग अराउंड 2.76 करोड़ का कंपनी जैसे स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रही है इस आईपीओ किसी प्रोसेस के लिए, जो कि इंडिकेट कर रहा है फुली स्ट्रक्चर मोड बनाया है. इस इश्यू का फुली स्ट्रक्चर मोड किया गया है और अलग अलग तरह की इंडस्ट्रियल सेफ्टी के जैसे मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है कंपनी. टॉप एंड बॉटम लाइन से भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है. 23 के परफॉर्मेंस में क्वांटम जंप है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है, जो कि कह सकते हैं सुपर अर्निंग्स अकॉर्डिंग लास्ट फिस्कल में जो सुपर अर्निंग्स हुआ इसके अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया है. अगर हम इसके कुछ रिस्क की बात करें, तो कुछ कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ है और लेदर या फैब्रिक प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस की वजह से भी कंपनी के ऑपरेशन में इंपैक्ट पड़ सकता है, अगर और की रॉ मटेरियल्स में भी इंपैक्ट पड़ सकती है. डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा अपने से जो प्रोडक्ट्स का जो सेल होता है उसके एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और हाईली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है. हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है. लेबर डिस्प्यूट किया जा सकता है की वजह से इसके ऑपरेशन को इंपैक्ट पड़ सकता है. पास्ट में कंपनी को लॉसेस वगैरह देखने को मिला है. फॉरेन एक्सचेंज के कारण भी जैसे कंपनी का इंपैक्ट पड़ सकता है, फ्लक्चुएशन जो होता है उसके वजह से भी इंपैक्ट पड़ सकती है. तो ओवरऑल कंपनी पर थोड़ा रिस्क भी है, लेकिन कंपनी फुल्ली प्राइस रखा गया है, एक अच्छी तरह से कंपनी जैसा स्ट्रक्चर बनाया है इस आईपीओ के लिए. आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो. प्लस जीएमपी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चला, लिस्टिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलने के चांसेस, तो आप लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.